हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कल था क्रिसमस। मैंने आज डिसाइड किया था कि मैं लाजपत नगर जाऊंगी, बट अब मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं 1 तारीख के बाद जाऊंगी। जहां भी जाऊंगी 1 तारीख तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और तब तक मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं करूंगी रिव्यू थालीज का, वो भी घर पे मंगवा के। तो आज हम पहले करके आएंगे जिम, उसके बाद मैं करूंगी थाली ऑर्डर। एंड जिस भी रेस्टोरेंट से मैं थाली ऑर्डर करूँगी उसका नाम एंड मेरे को कितने रुपए में वो थाली मिल रही है एंड कुछ ऑफर था या नहीं था उस थाली के ऊपर, वो सब मैं करूँगी आपके साथ शेयर। और मैं दूंगी उस थाली के ऊपर रिव्यू, तो मैं अपने नियर बाई रेस्टोरेंट्स की थाली के ऊपर रिव्यू करने वाली हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं जिम, एंड जिम से आने के बाद वैसे तो मेरे को कोलेजन अभी पी लेना चाहिए, बट अभी मेरे को जिम जाना है तो कोलेजन पियेंगे जिम से आके, प्रोटीन के बाद। एंड फिर करेंगे थाली ऑर्डर एंड फिर करेंगे थाली का रिव्यू। तो अभी 3-4 दिन तक मैं आपको देने वाली हूँ थाली का रिव्यू। ये कर चुकी हूँ मैं डिसाइड, उसके बाद मैं वापस से घूमना शुरू करूँगी। बट न्यू ईयर तक घूमने का मतलब है कि आप पागल हो, क्योंकि आपको ट्रैफिक में फंसना पड़ेगा। उसके बाद हर एक जगह आपको इतनी ज़्यादा क्राउड मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो सबसे बेटर है कि घर पे रहो, मज़े में रहो और सर्दी के मज़े लो। चलो फटाफट जिम करके आते हैं। सो गाइस, फिर मैं आ गई जिम एंड आज था मेरा बाइसेप्स ट्राइसेप्स डे। तो मैंने किया वर्कआउट एंड बनाई वीडियो, और हमेशा की तरह मेरा जिम में आज भी कोई नहीं था, खाली खाली जिम, क्योंकि जिस टाइम मैं जाती हूँ उस टाइम कोई ज़्यादा आता नहीं है। जिम से वापस आने के बाद मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, थाली कर देते हैं ऑर्डर। तो थोड़े टाइम में तो आएगी, तब तक मेरे को भूख भी लगने लगेगी। तो ये थी चॉइसेस थाली में, वेज थाली में आप ये सारी चॉइसेस ले सकते हो इस रेस्टोरेंट से। रेस्टोरेंट का नाम है दिल्ली टिफ़िन, DILLI, एंड टिफ़िन की स्पेलिंग तो आपको पता ही होगा, क्योंकि दिल्ली वाला दिल्ली नहीं है इसमें, दिल्ली वाला दिल्ली है। मैंने ये की एड एंड इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस भी थे, तो आपको जो भी पसंद आए आप वो कर सकते हो। एंड इसमें मेरे को मिल गया स्विगी पे डिस्काउंट भी, 125 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया मुझे इसमें। आ गया है ऑर्डर, तो ये मुझे पड़ा है, कहाँ गया इसका, पैसे नहीं दिखे, ऐसा कैसे हो गया, अरे दिख तो नहीं रहे। 165 रुपीज़ की पड़ी है मेरे को ये थाली, और वैसे शो कर रहा था 290 के आसपास कुछ। चलो अब इसको करते हैं ओपन। ये तो ये है चटनी, यहाँ तक मेरे को लग रहा है ये रोटी है, स्पून, और ये है आपका पालक पनीर एंड दाल। ये देखो इन्होंने ना इससे बंद करके दिया था, खुल ही नहीं रहा था, चाकू से काटना पड़ा है मेरे को। इसको साइड कर देते हैं। सो दिस इज द दिल्ली टिफिन थाली, घर की रेसिपी, घर का स्वाद। स्कैन हियर एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। गिरा, अगर आपको फॉलो करना है तो कर सकते हो। पहले मैं इसको खा के फिर आपको देती हूँ रिव्यू। सो गाइस, मेरे को जो चटनी लग रही थी वो एक्चुअल में सैलेड है, प्याज एंड कुकुम्बर। एंड दिस इज़ द थाली, 2 रोटी आई है। तो करते हैं इसको स्टार्ट खाना और देते हैं इसको रिव्यू। फटाफट खा लेते हैं यार, भूख लग रही बड़ी तेज़, और देते हैं रिव्यू। रिव्यू तो मैं पहले टेस्ट करने वाली हूँ पालक पनीर। अच्छा, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, एक्चुअल में स्पाइसी नहीं है। दाल भी अच्छी है, पर खाना ना बहुत फीका फीका है,
ये बोलते हैं ना हल्का सा तो स्पाइसी कुछ तो डालना चाहिए था इन्होंने, बिल्कुल ही मतलब घर का बनाना खाना बनाने के चक्कर में ना इन्होंने बिल्कुल फीका कर दिया खाना। नमक है खाने में? मेरे बिल्कुल भी नहीं है, कोई मसाला नहीं है, 1% मसाला नहीं है। मतलब नमक डाल के हल्दी डाल के खाना बना के रख दिया है, खा लो। और इनकी दाल में हल्के से ना जले की आ रही है, जैसे वो नीचे लग नहीं जाती कढ़ाई में नीचे से दाल। आप भी सोच रहे होगे कितनी बुराई करी है, मैं सच बता रही हूँ आपको, इनकी दाल में ना हल्की हल्की जले की आ रही है। अब मुझे नहीं पता इन्होंने कैसे जलाई, पर इन्होंने दाल जला दी है, दाल से बेटर है इनका पालक पनीर। एटलीस्ट जला हुआ तो नहीं है, खा सकते हो आप, दाल तो आप खा भी नहीं सकते। रोटी काफी अच्छी है, नो डाउट, रोटी बहुत बढ़िया है, एक नंबर। राइस टेस्ट करते हैं, कच्चे कच्चे तो नहीं है। राइस भी ठीक है, मतलब राइस का क्या ही टेस्ट करना होता है, बस हाँ देखना होता है गले है या नहीं गले। राइस अच्छे हैं, गले हुए मतलब, जले हुए तो नहीं है कम से कम दाल की तरह। सो 10 में से मैं इस थाली को 6 दे सकती हूँ, वो भी जस्ट बिकॉज कि इनका सैलेड अच्छा है, पालक पनीर खाने लायक है, और राइस और रोटी अच्छे हैं, वरना तो इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दाल जलाने का क्या मतलब होता है यार, इतनी पोर्शन की दाल देनी है तो मैं उसमें भी जला दो। मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगी, बट मैंने रिव्यू कर दिया है। वो ये था दिल्ली टिफिन रेस्टोरेंट, ये देखो ये वाला। तो अगर आप जली हुई दाल खाना चाहते हो तो कर सकते हो ऑर्डर, और अगर आपका लक अच्छा हुआ तो हो सकता है आपकी दाल नहीं ना जली हो, अच्छी दाल आ जाए, क्या पता गलती से, जैसे पालक पनीर नहीं जला है हो सकता है उस दिन दाल भी ना जले जिस दिन आप ऑर्डर करो। तो कल करेंगे किसी और रेस्टोरेंट की थाली का रिव्यू, आज के लिए ये वाली थाली काफी है।